दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल जिसमें सिविल साइड विजिट में। सामने आप देख रहे हो एक बीम है जिसमें आपको क्रैक्स दिख रहे होंगे। ये क्रैक्स किन रीजनों से आते हैं वो मैं वीडियो अलग से लेऊंगा, लेकिन आपके घर में भी क्रैक्स आ सकते हैं अगर आप बीम को प्रॉपर डिज़ाइन नहीं करोगे। सब नॉर्मल कंस्ट्रक्शन की तरह आप बीम प्रोवाइड करते जाओगे, ड्यूप्लेक्स में भी वही, वन स्टोरी में, थ्री स्टोरी में, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टर्स जो रहते हैं, ठेकेदार जो रहते हैं, मोस्टली करते हैं पुरानी बिल्डिंग्स को नई बिल्डिंग से रिलेट करके बनवा देते हैं। लेकिन वहाँ कंडीशन अलग से होती हैं, सॉइल अलग है, सरिया अलग है, रेत अलग है, ब्रिक अलग है, तो वो दिक्कत आ सकती है बाद में। तो आपको जब भी कंस्ट्रक्शन करवानी है तो आपको प्रॉपर डिज़ाइन करवा देना है। अगर प्रॉपर डिज़ाइन नहीं करवा सकते हो, छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, तो आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो जो मैं आपको बताऊँगा कि किसी भी बीम की जो विड्थ होती है या डेप्थ मेन होती है वो कितनी रखनी है। लेंथ तो हमें पता है 5 से 6 मीटर का बीम हमें प्रोवाइड करना है नॉर्मल कंस्ट्रक्शन में, नॉर्मल कंडीशंस में हम जो करके कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, तो 4 से 5 मीटर का ही गैप रखना है 2 कॉलम के बीच। तो हमारा 6 मीटर का हम बीम पकड़ते हैं, तो उस बीम की कितनी आप डेप्थ रखोगे, कितनी आपको विड्थ रखनी है, वो कैलकुलेशन एक सिंपल फार्मूले से मैं आपको बताने वाला हूँ। ये हाउस कंस्ट्रक्शन की जो सीरीज़ चल रही है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, 8 से 10 वीडियोस आ चुकी हैं। आज वीडियो एक नई नेक्स्ट उसका पार्ट हम लेके आ रहे हैं जिसमें आपको ये क्लियर करेंगे। तो कंप्लीट वीडियो देखना मैं शुरू करता हूँ, लेकिन उससे पहले काम कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। सिंपल सा फार्मूला, आप इस फार्मूले से किसी भी मतलब बीम की आप डेप्थ और विड्थ इजिली निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हो आप मेरी एक फार्मूला है, पहले सबसे पहले हम डेप्थ निकालेंगे। तो डेप्थ निकालने का फार्मूला क्या है, डी इक्वल टू एल अपॉन 16। ये एक डेरिवेशन से ड्राइव की है, मतलब अगर आपको अगर डेरिवेशन चाहिए, मतलब वो देखना चाहते हो, तो मैं आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, मतलब उसमें तो मैं आपको डेरिवेशन भी ड्राइव करके नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा, ठीक है। लेकिन सिंपल आप इसी फार्मूले से आप लर्न करके, मतलब इस फार्मूले को याद रख लो, इजिली आप ये फार्मूले में वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो, ठीक है। सबसे पहले क्या है हमारा, डेप्थ इक्वल टू एल अपॉन 16, ठीक है। तो एल कितना है हमारा, बीम की लेंथ कितनी है, 6 मीटर, ठीक है, 6 अपॉन 16, ये आ गया। तो इसको डिवाइड करके कितना आया हमारा, ये मीटर में, जो भी वैल्यू इसमें आएगी वो किसमें होगी, मीटर में, ठीक है, ये मीटर में आ गई हमारी वैल्यू। अभी क्या करना है, इसको एमएम में कन्वर्ट कर दो, अगर मतलब एमएम में, तो मैंने ऐसे दिखाने के लिए किया, लेकिन क्या मीटर को अभी 1 मीटर हमें इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, क्यों करना है वो आप जब आप नेक्स्ट जो हमें विड्थ निकालनी है उसमें हमें सेंटीमीटर में वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के इक्वल होता है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.010 मीटर, ठीक है। तो वैल्यू हमारी मीटर में है, इसको कन्वर्ट कर देंगे हम सेंटीमीटर में, तो उसको कैसे करेंगे, 0.375 डिवाइड बाय 0.010, ठीक है। इसको डिवाइड किया तो हमारा किसमें आ गया वैल्यू, सेंटीमीटर में, ठीक है, ये आई हमारी। अभी इसको सेंटीमीटर में क्यों कन्वर्ट करना था ये मैं बताता हूँ। तो विड्थ का फार्मूला देखो, हमारा विड्थ का फार्मूला क्या है, डी अपॉन 1.5। जो हमें डी, मतलब जो इसमें जो फार्मूले में हमने वैल्यू डालनी है इसकी डेप्थ की, वो किसमें होनी चाहिए, सेंटीमीटर में, ठीक है। इसीलिए हमने जो मीटर में हमारी वैल्यू है उसको कन्वर्ट किया सेंटीमीटर में, ठीक है। अब यहां देख रहे हो डी कितना है हमारा, ये आया हमारी डेप्थ आ गई 3.37.5 डिवाइड बाय 1.5, तो इसको करके हमारा कितना आया, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दोनों मतलब सिंपल से फार्मूले, इसमें आपने सिर्फ बीम की लेंथ को पुट करना है और डिवाइड कर देना है, 16 से डेप्थ निकल आएगी, और विड्थ में आपको पहले जो हमारी डेप्थ आई वो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके 1.5 से डिवाइड कर देना, तो आपकी उसकी विड्थ आ जाएगी, ठीक है। और एक चीज याद रखना, मतलब ये हमारी मिनिमम उसकी मतलब विड्थ और डेप्थ है, इससे कम हम नहीं ले सकते, इससे ज्यादा आप ले सकते हो, अगर मतलब इससे ज्यादा थोड़ी लोगे तो सेफ्टी फैक्टर लेके चलना, ठीक है। और मेनली जो मतलब मैं नोट बता देता हूँ, मतलब इसमें हमें बीम में डिजाइन में हमें देखना क्या चाहिए, जो मिनिमम आरसीसी बीम साइज होता है वो मतलब 225 mm से छोटा नहीं होना चाहिए, मतलब उसकी डेप्थ और विड्थ 225 mm से छोटी नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज, मतलब जो हमारा बीम होगा ना, जो उसमें रीइंफोर्समेंट होगी मिनिमम, जो अगर मिनिमम 4 बार तो होनी चाहिए उसमें, ठीक है। जो टॉप बार होंगे वो मिनिमम 10 mm से हम छोटा नहीं ले सकते, और जो बॉटम बार होंगे हमारे
वो 12 mm से हम छोटा नहीं ले सकते, ठीक है। ये दो मतलब जो चीजें याद रखना, क्योंकि कई भी इंटरव्यू में भी ये पूछा जाता है कि मतलब मिनिमम साइज कितना होना चाहिए बीम का, या उसमें रीइन्फोर्समेंट कितनी हो जाएगी, तो ये आप याद रखिए, ठीक है। और ये सिंपल से फार्मूले हैं दो, डेप्थ विड्थ के, इससे इजिली आप बीम का डिजाइन कर सकते हो, मतलब उसके इजिली निकाल सकते हो।